शनिवार को नागपुर शहर कांग्रेस पार्टी की ओर से शहर के वैरायटी चौक पर मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से मणिपुर चल रहा है, मगर देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी इस पर कोई निर्णय नहीं लेते हुए अमेरिका दौरे पर चले गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मणिपुर के स्थानिक लोक प्रतिनिधि ने उनसे मिलने के लिए समय भी मांगा था, मगर उन्होंने नहीं दिया। उन्हें मणिपुर से ज्यादा अमेरिका दौरा था, इसका हम निषेध करते हैं। आंदोलन के दौरान मणिपुर बचाओ देश बचाओ के नारे भी लगाए गए। 50 दिनों से मणिपुर में जाति हिंसा शुरू है और इसमें कई लोगों के घर जल गए, 70,000 लोग शिविर कैंप में हैं, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, 300 से ज़्यादा धार्मिक स्थलों को आग के हवाले कर दिया गया और उसके आमदार और जो केंद्रीय मंत्री है, पर राष्ट्र मंत्री है जो केंद्र के, उनको उनका राज्य मंत्री का घर जला दिया, बंगला जला दिया गया। उसके बावजूद मोदी जी अपनी अमेरिका यात्रा पे चले गए, जबकि उन्होंने यहाँ पे शांति बहाल करने के लिए प्रयास करना चाहिए था, तो वो अमेरिका यात्रा में चले गए। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की 10 पार्टियों ने उसको वहाँ पे शांति स्थापित रहने के लिए मोदी जी से समय मांगा था, उनको समय नहीं दिए। और उसके बाद में जो मणिपुर के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने भी समय मांगे थे मोदी जी से वहाँ की शांति बहाली के लिए, उनको भी समय न देते हुए वो अमेरिका उनको जाना जरूरी था। और वहाँ पे जो किराए के लोगों को लोग लेके जाते हैं और मोदी मोदी के नारे लगवाते हैं, वो जरूरी है उनको, मगर यहाँ पे जो खून खराबा हो रहा और जो भाईचारा जो देश का बर्बाद हो रहा, तो उसकी उनको चिंता नहीं है। और ये जो मणिपुर का जो दंगा है, इसमें इसका मुख्य कारण ये जो पिछले 9 सालों से नफरत की जो राजनीति मोदी सरकार कर रही है, उसका परिणाम मणिपुर दंगा है। नहीं तो इस देश में कभी भी इस तरीके के पुलिस पे को गोली चला रही या भाई भाई को मार काट कर रहा। जाति दंगे हुए, मगर जो इस मणिपुर जैसे दंगे इस देश में कभी नहीं हुए। तनवीर अहमद, पूर्व पार्षद। NBC न्यूज़ के लिए राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।